अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कमेंट गाय। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है वो एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सम को देखेंगे, सम के फार्मूला को देखेंगे। सम के फार्मूला के अंदर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसने ना देखी हो तो वो जरूर जाके देखें। सम फार्मूला को देखेंगे, एवरेज को देखने वाले हैं, परसेंटेज के फार्मूला को देखने वाले हैं, इफ फार्मूला को देखने वाले हैं कि हम इफ फार्मूला को ग्रेड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम के फार्मूला को देखने वाले हैं, काउंट को देखने वाले हैं, काउंट ए को देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं उसको देखने वाले हैं। इसके साथ में एक और चीज के अंदर ऐड कर दूं कि अभी हम जो एक्सेल की वीडियो में बना रहा हूं, इसके अंदर हम सिर्फ बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं। फिर फर्दर जैसी वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करता जाऊंगा यूट्यूब चैनल के अंदर, तो कुछ मजीद चीजें जो है वो एडवांस लेवल में भी हम फिर जो है वो इसके ऊपर जाएंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ बेसिक टॉपिक्स को ही जो है वो इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाकर रखा है, जिसके अंदर सीएल नंबर, स्टूडेंट नेम, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री और उसके बाद टोटल, एवरेज, परसेंटेज, ग्रेड की हेडिंग्स दी हुई है, जिसके अंदर हम लोग फार्मूलाज अप्लाई करेंगे एंड देन फिर नीचे हाईएस्ट, लोवेस्ट और काउंट के फार्मूला को जो है हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये फॉर्मेट बनाने का बेसिकली मकसद ये कि क्लियरली हमें जो है वो चीजें जो है वो जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो ईजिली जो है वो हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टोटल के फार्मूला से। अच्छा, अब करना ये है कि मेरे पास स्टूडेंट का नेम लिखा हुआ है और उसके कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं टेस्ट के। मुझे इसका सबसे पहले निकालना है टोटल। टोटल मींस क्या कि मुझे इन सब का, इन तीनों टेस्ट का सम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए एक बहुत सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला है। एक्सेल के अंदर याद रखिएगा कि जो भी फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे वो इज इक्वल टू के साथ ही स्टार्ट होता है, उसके बाद ही आपका फार्मूला आगे बढ़ेगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। इज इक्वल टू एस यू एम सम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सम निकालने वाले हैं। उसके बाद आपको लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जितनों का सम निकालना है उन सेल्स को आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे मेरे पास टेस्ट वन से लेकर टेस्ट थ्री तक के जो है वो सम चाहिए, तो मैं सिंपली इन तीनों सेल को क्या कर लूंगा, माउस से सेलेक्ट कर लूंगा और आखिर में ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेल जो है वो मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी टू टू ई टू, इसका मतलब ये कि मैंने सी टू से लेके ई टू के सेल को जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ। ये ऑलरेडी हम लोग जो है वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 113, इट मीन्स कि इसका टोटल जो है वो मेरे पास ये निकल के आया है। अगर आपने मेरी सम निकालने की शॉर्ट वीडियो देखी हो तो मैंने वहां पे आपको एक और फॉर्मूला बताया था जिससे आप इजीली सम निकाल सकते हो, मैं वो भी आपको करके बता देता हूँ। सिंपली क्या करना है आपको, कीबोर्ड से ऑल्टर और इज इक्वल टू को साथ में प्रेस करना है। ठीक है, ऑल्टर इज इक्वल टू, तो ऑल्टर इज इक्वल टू करेगा क्या कि जितने सेल है उसके आगे के वो उन तीनों को सेलेक्ट कर लेगा जहां पे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने ऑल्टर इज इक्वल टू जैसे ही प्रेस किया तो उसने इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला खुद ही लगा दिया। अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये देखिए मुझे आंसर इजिली दे देगा। ठीक है, अच्छा, अब इन सब के अंदर भी मुझे इस सम के फॉर्मूला को अप्लाई करना है तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। अब मुझे बार बार वो सम का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बारी बारी इन सेल के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे एक दफा क्लिक करूंगा इस सेल पे जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है और मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर के ऊपर जब ये प्लस का साइन आ जाए तो मुझे सिंपली क्या करना है, डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि ये सब में जो है मुझे सम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करके दे देगा। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें इज इक्वल टू सम मतलब हमें टोटल निकालना हो तो इज इक्वल टू सम के फॉर्मूला को इजिली यूज कर सकते हैं। एक बात और याद रखिएगा, मैंने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला बार करता ये कि जब भी आप कोई फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हो या सेल के अंदर कोई भी चीज ऐड करते हो तो वो आपको यहाँ भी जो है वो नजर आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फॉर्मूला को यहीं पे ही जो है वो एडिट कर सकते हो या कुछ भी ऐड कर सकते हो डाटा, आप यहाँ पर भी रह के जो है वो फॉर्मूला के अंदर इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आफ्टर टोटल, आफ्टर सम फॉर्मूला, अब हमारे पास हमें करना है एवरेज। एवरेज का फॉर्म लगाना है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास इन एक, जैसे फॉर एग्जांपल शाहिद है तो शाहिद का इन तीन टेस्ट में जो है वो एवरेज क्या है वो मुझे पता चल जाए। अच्छा, आप सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है और एवरेज निकलता कैसे है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास एक टोटल स्ट्रेंथ है, आपको उन टोटल स्ट्रेंथ को सम करना है और उनकी जितनी स्ट्रेंथ है उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो आपको इजीली क्या होता है, एवरेज मिल जाता है। अब एवरेज दो तरीकों से निकाला जा सकता है, वो किस तरीके से, जो थोड़ा सा मुश्किल है मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो आप यूज करें, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि एवरेज बेसिकली है क्या, इज इक्वल टू
ब्रैकेट लगाएं। अब मैंने आपको बताया ना एवरेज कैसे निकलता है कि सम और डिवाइडेड बाय उसकी स्ट्रेंथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का सम चाहिए आपको। तो पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लें, प्लस इस सेल को सिलेक्ट कर लें, प्लस और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट को कर दें क्लोज और डिवाइड कर दें। अब डिवाइड किससे करें, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने टेस्ट हैं, तीन टेस्ट है। स्ट्रेन का मतलब यह है कि मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी है। अब अगर मैं एवरेज निकालता टोटल स्टूडेंट का, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो मैं 10 से डिवाइड करता, लेकिन अभी मुझे टेस्ट का एवरेज चाहिए, मुझे इन मार्क्स का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 करूंगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करूंगा और इसको एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या है, 37.6। ठीक है, एक और फॉर्मूला है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है आपको और सिंपली इन तीनों सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और एंटर कर देना है। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे तो देखें वही सेम आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूला को यूज करें, इससे आपका काम बहुत इजीली और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे मुझे इजीली जो है वो एवरेज मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है जो फिगर्स आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए इतनी ज्यादा, तो आप सिंपली यहाँ पे कर्सर रखें और यहाँ पे आपको देखें एक ऑप्शन दिए हुए नंबर के ग्रुप के अंदर दो, एक आपको डेसिमल को इंक्रीज करने के लिए दिया हुआ है, एक डेसिमल को डिक्रीज करने के लिए दिया हुआ है। तो आप सिंपली यहां पे क्लिक करते जाएं तो ये क्या करेगा, इन डेसिमल्स को डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, आई गेस दिस इज इनफ। ठीक है, 37.7 राउंड ऑफ करके इसने बता दिया। अब मैं सिंपली यहां पे फिर से वही कर्सर सेलेक्ट करूंगा इसे और यहां पे अगर मैं डबल क्लिक करूं तो देखें ये एवरेज का फॉर्मूला सब में इसे अप्लाई करके दे देगा। तो बहुत इजीली है अगर हमें एवरेज का फॉर्मूला यहां पे यूज करना हो तो। ओके, नाउ अब परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। अब परसेंटेज निकलता किस तरीके से है कि आपके पास जितने भी टोटल मार्क्स बने हैं तो टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं जितने मार्क्स के वो पेपर थे। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेस्ट था 50 मार्क्स का, टेस्ट टू था 50 मार्क्स का और जो टेस्ट थ्री था वो 100 मार्क्स का था। अगर मैं इनको टोटल करूँ तो ये टोटल कितने बनते हैं, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 50 200। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि टोटल को डिवाइड करूंगा 200 के साथ और उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 के साथ। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसे। इज इक्वल टू, अच्छा अब टोटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है विद द यूज ऑफ सम फॉर्मूला, तो मैं इसी को ही सेलेक्ट कर लूंगा। डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे होगा, 200 से। ऑप्टेन डिवाइडेड बाय जितने टोटल मार्क्स का वो होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 50 प्लस 50 100 प्लस 100 200, तो 200 से डिवाइड करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 के साथ और एंटर करना है। तो देखें यहाँ पे आपको बहुत इजीली जो है वो परसेंटेज निकल के इसने दे दी 56.5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि देखें अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि 200 में लिख दिया तो इट्स अ कॉन्स्टेंट। नो, इट्स नॉट अ कॉन्स्टेंट, ये डिपेंड करता है कि टोटल मार्क्स कितने बन रहे। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे होता ये भी 100 मार्क का होता, ये भी 100 मार्क का होता, तो फिर मैं 200 से इसको डिवाइड नहीं करता बल्कि किससे डिवाइड करता, 300 से डिवाइड करता। ठीक है, तो ये बात जो है वो बहुत ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से हम इजीली जो है वो परसेंटेज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसी तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये आपको सब में जो है वो परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करके दे देगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि हम इफ फॉर्मूला को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ग्रेड निकालने के लिए। तो इसको समझाने के पहले मैं आपको एक चीज इसके अंदर क्लियर कर दूं ताकि आपके लिए इस फॉर्मूला जब ग्रेड के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, अच्छा इफ कंडीशन में एक चीज आपको याद रखनी है कि इफ कंडीशन का मतलब यह है कि या तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी या तो आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 52। ठीक है, अब यहाँ पे इफ फॉर्मूला को किस तरीके से यूज करूंगा वो देखेगा। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन हो 50 के, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन हो 50 के, तो फिर क्योंकि अब मेरे पास एक और नई कंडीशन आने, मतलब नई कंडीशन एक आने वाली है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, कॉमा लगाओगे और डबल कोट। डबल कोट याद रखिएगा तभी लगता है जब आपके पास कोई टेक्स्ट हो या एक खास टर्म हो, तो हम उसके लिए डबल कोट लगाते हैं। तो अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन 50 हो तो फिर आप यहां पे मुझे पास लिख के दे देना, अदरवाइज कॉमा डबल कोट, अदरवाइज मतलब आप एक और स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आप कॉमा लगाओगे फिर से डबल कोट लिखोगे, और यहां पे अगर ऐसा नहीं है तो फिर फेल लिखा हुआ दे दे, डबल कोट को क्लोज कर दें, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर कर दें। तो यहां पे क्या लिखा हुआ आया, पास। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि अगर ये वाला सेल 50 मतलब 50 की ग्रेटर देन हो तो क्या आ जाए, पास लिखा हुआ आ जाए, तो पास दे दिया। इट मीन्स कि अगर मैं यहां पे लिख के दे दूं 49 तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, फेल। तो देखें यहां पे लिखा हुआ गया फेल।
तो इस तरीके से काफी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे इफ की कंडीशन को जो है वो यूज करके अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमें याद होगा जब हम स्कूल के अंदर थे तो हमारे पास हम हमें जो रिजल्ट मिलता था उसके अंदर ग्रेड लिखा हुआ होता था। तो उसके अंदर हर स्कूल के अंदर एक एक चीज होती है कि भाई 90 वाला बच्चा ए प्लस, अगर 90 मार्क्स आए तो ए प्लस मिलेगा, 80 आएगा तो ए। तो ये ग्रेडिंग जो है वो हमें नॉर्मली बनी हुई होती है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट, अगर मेरे पास ये वाला सेल, ठीक है, अगर मेरे पास ये वाला सेल, अच्छा इसके अंदर एक चीज आई गेस फॉर्मूला हट चुका है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट, अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है। अब मैं दो चीजें बोल रहा हूं कि या तो ग्रेटर देन हो या तो उसी के बराबर हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है, बराबर है 90 के, तो फिर यहां पे आप मुझे यहां पे ए प्लस दे देना। इट मीन्स कि अगर यहां पे इस वाले सेल के अंदर इसकी परसेंटेज 90 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस दे देगा। 90 आएगा या 90 से ज्यादा आएगा तो ए प्लस मिलना चाहिए, तो ए प्लस आ जाए, डबल कोट क्लोज। अब मैं इसी तरीके के फिर कंडीशन लगाऊंगा इज इक्वल टू, तो एक ही दफा लगेगा जब आप फॉर्मूला को स्टार्ट करोगे, और जो मैंने यहां पे इज इक्वल लगाया वो बेसिकली कंडीशन के लिए लगाया, ठीक है, बात याद रखिएगा। ब्रैकेट, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है 80 के, तो फिर मैं यहां पे लिख के दे देता हूं ए आ जाए, ठीक है, डबल कोट क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट, अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है 70 के, तो फिर यहां पे आ जाए बी प्लस, डबल कोट क्लोज कॉमा इफ ब्रैकेट, अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है 60 के, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, अच्छा मैंने यहाँ पे कोई एक चीज मिस तो नहीं कर दी, बिल्कुल ठीक है, कॉमा मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए बी, क्योंकि वहां पे मैंने 70 में बी प्लस दिया है, डबल कोट क्लोज कॉमा इफ, अगर मेरे पास ये वाला सेल ग्रेटर देन है या बराबर है 50 के, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए सी, ठीक है। आई गेस इतनी कंडीशन काफी रहेगी, क्योंकि मेरे पास जो लोवेस्ट परसेंटेज है वो भी 50 के अंडर अंडर ही है, मतलब 50 के ऊपर जाएगा, तो मैं कह रहा हूं कि वो क्या दे दे, सी दे दे। अब मैं लास्ट कंडीशन दे रहा हूं कि अगर मेरे पास ये वाला सेल 50 के लेस देन हो, अब मैं लेस देन का साइन लगा रहा हूं, अगर 50 के लेस देन हो तो फिर मुझे यहां पे ये क्या लिखा हुआ दे दे, अगर मेरे पास ये वाला सेल लेस देन हो 50 के, तो फिर मुझे यहां पे लिखा हुआ दे दे एफ ब्रैकेट, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, तो उसे तीन दफा लगा रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, यस। तो अब यहां पे से मुझे क्या दे दिया, सी दे दिया, क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास ये देखें यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि अगर ये ग्रेटर देन 50 हो तो यहां पे क्या दे दे, सी दे दे, ग्रेटर देन 50 है तो यहां पे सी दे रहा है ये। अगर मैं इस फॉर्मूला को सबके अंदर अप्लाई करूं तो देखो मुझे इन सबके आंसर मिल गए, 62 पे बी दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा था कि 60 के ग्रेटर देन हो तो बी दे दे। अब यहां पे किसी में इसने दिया है ए, अब यहां पे ए क्यों दिया है, क्योंकि मैंने बोला है कि 80 के बराबर हो या ग्रेटर देन हो तो मुझे यहां पे क्या दे दे, ए दे दे। तो ये बिल्कुल सही तरीके से मेरा फॉर्मूला जो है इसके अंदर लगाया, और देखिए मुझे सबके जो है वो इसके अंदर ग्रेडिंग मिल गई है। तो इस तरह से काफी इजी तरीके से जो है हम ग्रेड के फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं इफ कंडीशन को यूज करके, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मुझे निकालना है मैक्सिमम मिनिमम और काउंट। अच्छा, आप मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट परसेंटेज इसलिए लिखा है क्योंकि मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा। अब मैं अगर ये जानना चाहता हूं कि इनमें से सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किस स्टूडेंट की है, ठीक है, तो मैं यहां पे मैक्सिमम के फॉर्मूला को किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूं, इज इक्वल टू मैक्सिमम एम एक्स ब्रैकेट, और यहां पे आपके पास जितनी परसेंटेज है इन सबको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट को कर दें क्लोज और एंटर करें। तो देखें यहां पे आ गया 93। अब देखते हैं कि क्या ये सही दे रहा है, देखें 93 बिल्कुल सही दे रहा है। असलम की यहाँ पे जो है वो 93 सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। अब इसी तरीके से लोएस्ट परसेंट निकालना है तो इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा एम आई एन, जो कि मिनिमम, एम एक्स का मतलब मैक्सिमम और एम आई एन का मतलब मिनिमम। तो ब्रैकेट ओपन, अब मैं फिर से इन सबको सेलेक्ट करूंगा, तो अब ये मुझे क्या करेगा, इन सब में से जो मिनिमम परसेंटेज होगी वो निकाल के दे देगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखें यहाँ पे इसने क्या दे दिया, 56.5, और ये 56.5 जो है वो इसमें सबसे मिनिमम जो है वो परसेंटेज है। तो मैक्सिमम मिनिमम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसी तरीके से मुझे ये मालूम करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट की टोटल काउंट क्या है। अच्छा, आप काउंट के अंदर दो फॉर्मूला है, एक है सिंपल काउंट और एक है काउंट ए। काउंट का फॉर्मूला नंबर्स के लिए होता है और काउंट ए का फॉर्मूला हम लोग अगर कोई चीज आपकी टेक्स्ट के अंदर है तो उसके लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको दोनों चीज करके बता देता हूँ। मान ले कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 10, अब यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है, पता चल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स है, लेकिन आपके पास अगर स्क्रीन ज्यादा हो तो उसके लिए हम काउंट की जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूं इज इक्वल टू काउंट, सॉरी COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, अगर मैं इन सब सेल को सेलेक्ट कर लूं, ब्रैकेट क्लोज करूं, एंटर करूं, तो ये मुझे क्या बता देगा कि टोटल स्टूडेंट के काउंट कितनी है, 10 है। अच्छा, अगर मैं ये चीज यहां पे इन सेल के अंदर टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूं और एंटर करूं तो देखिए मुझे अभी 0 दे रहा है, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप इस काउंट के फॉर्मूला के अंदर ए को जो है वो एड कर दें और अब एंटर करें तो देखिए इसने 10 दे दिया, क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए जो है वो काउंट ए का फॉर्मूला यूज होता है और नंबर के लिए हम यूज करते हैं काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं जो हम अपने एक्सेल के अंदर यूज करके अपना काम जो है वो काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। इन सब फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है। इसी तरीके से एफ के फॉर्मूला को भी जरूर जो है वो आप ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।